सभी का धन्यवाद लोगों को यहाँ इन्वाइट करने के लिए। और ये जो खुशी मिली है इसका बयां करना शब्दों में ये नहीं हो पाएगा। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ने मिलकर बहुत पहले सपना देखा था। मेरे दो बेटे हैं तो पहला बेटा हुआ फिर दूसरा बेटा हुआ, लेकिन दोनों ही बेटे के समय में एक सपना था कि मैं मेरी ज़िंदगी में जो नहीं कर पाया, जो खामियां थी और जो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, वो मतलब जरिया ही नहीं मिला जो जिस वजह से मैं आगे बढ़ पाता, वो सारे जरिए मैं मेरे बच्चों को दूंगा, कैसे भी किसी भी हालत में एनी हाउ किसी भी तरह। इसके लिए मेरा खुद का बहुत संघर्ष रहा। मैं एक क्लासरूम और एम्प्लॉय था, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया और ज़िंदगी में मुझे तजुर्बा भी बहुत अच्छा अच्छा मिला। उस तजुर्बे से तीन बातें मैं मेरे बेटों को बताता हूँ कि तीन स्टेज आएंगे बेटा। पहला स्टेज का जो सपना होता है वो माँ बाप देखते हैं जब बच्चों को नर्सरी में डाल देते हैं, नर्सरी के स्कूल में जब एडमिशन कर लेते हैं, तब उनका पहला सपना होता है वो माँ बाप का होता है कि बच्चा जब पढ़ लिख के क्या बनेगा या कौन सी जगह जाएगा। दूसरा सपना ये होता है जब बच्चे को जॉब लग जाती है पढ़ने के बाद, वहां से स्टेज टू होता है। तो मेरा पहला बच्चा स्टेज टू में तो पहुंच चुका है, लेकिन अभी स्टेज थ्री उसके सामने है। तो हर स्टेज में परफॉर्म करते समय एक ही बात सामने आती है और उसको जीना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ हासिल होती है, उस मुकाम में आदमी पहुंचता है, और वो है सिर्फ संघर्ष। संघर्ष ही एक ऐसा शब्द है जिस पे चलकर आदमी उस मुकाम को हासिल कर सकता है। तो इस मुकाम पर पहुंचने के लिए और इस खुशी को उपलब्ध कराने के लिए मैम और सारे टीचर्स यानी गुरुजन ही सबसे मतलब बड़े होते हैं जो बच्चों के लिए दिशा निर्देश करते हैं, और बच्चे अगर सही मायने में उस दिशा पर चले तो इस मुकाम पर भी पहुंच ही जाते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद इस खुशी को दिलाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच।